पाव स्टार पवन सिंह का सूर्यवंशम का कारनामा एक और नए अंदाज में आगे बढ़ा है और इस बार जो कारनामा है वो पांचवें सप्ताह को छोड़कर छठे सप्ताह का कारनामा है। जी हाँ, ऐसा पहली बार हो रहा है कि लॉकडाउन के बाद कोई फिल्म तीसरे हफ्ता के बाद कोई चौथे हफ्ता में जाता है, चौथे हफ्ता के बाद पांचवें हफ्ता में जाता है और यहाँ तो पाव स्टार पवन सिंह की फिल्म छठे हफ्ता में जा चुका है। तो लगाओ यार ताली यार और वीडियो को शेयर करो, क्योंकि अगर पाव स्टार पवन सिंह के फैंस है ना तो उन सभी लोगों को पता चलना चाहिए कि भोजपुरी में फिल्में चलती है, आज भी चलती है। अगर अच्छी फिल्में आप बनाते हो, अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ फिल्म बनाते हो, अच्छा गाना रखते हो, अच्छा DI रखते हो, अच्छा मेकिंग रखते हो, तो भाई भोजपुरी ऑडियंस फिल्में देखने आती है, चलती है, गाने भी चलते हैं और पैसा भी बम्फर कमाता है। जी हाँ, यानी कि छठे हफ्ता में पाव स्टार पवन सिंह और आस्था सिंह का जो सूर्यवंशम है, जो पाव स्टार पवन सिंह ने जो अभिनय किया है, आस्था सिंह ने जो अदाएं दिखाई है, जो गाने में जो अभिनय किया है, साथ ही साथ जो इन दोनों की जो केमिस्ट्री जो स्क्रीन पे दिखाया गया है, लोग भर भर के एंजॉय कर रहे हैं। इसी कारण से बिहार में छठे सप्ताह में भाई फिल्म गई है और ये एक बहुत गर्व की बात है कि अगर भोजपुरी इंडस्ट्री में एक फिल्म चल रही है तो इससे कई लोगों को उत्साहत होती है और लोगों को उम्मीद होती है कि भोजपुरी इंडस्ट्री एक बार फिर से उभरेगी। फिल्म में जिस तरीके का रिस्पॉन्स दिखाया है वो वाकई में ही एकदम सराहनीय कदम है। डायरेक्टर रजनीश मिश्रा ने खूब मेहनत किया है, उनके डायरेक्टरी को लोग खूब तारीफ कर रहे हैं और RBF जिन्होंने इतना इसे रिलीज किया है, बहुत सटीक तरीके से रिलीज किया है। पवन सिंह के फिल्मों के बाद कई सारी फिल्में आई बॉक्स ऑफिस पर, उसके साथ साथ भी भोजपुरी की ये फिल्म मल्टीप्लेक्स में खड़ी रही, साथ ही साथ सिंगल स्क्रीन में खड़ी रही, तो ये काबिले तारीफ है। अब देखना है कि ये छठे हफ्ता के बाद सातवें हफ्ता, आठवें हफ्ता, दसवें हफ्ता में कब जाती है। मुझे लग रहा है 50 दिन ये कंप्लीट कर लेगा, क्योंकि जिस तरीके से चल रहा है। फिलहाल पाव स्टार पवन सिंह के फैंस हैं तो भैया जरूर सब्सक्राइब करो और पाव स्टार पवन सिंह के फिल्म या सूर्यवंशम में भगवान का गाना है किस किस ने सुना, किस किस को कितना अच्छा लगा और किस किस को इस गाने से लगा कि हाँ भाई ये गाना, ऐसे ही गाने भोजपुरी फिल्मों में होने चाहिए, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।